मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम दिखेंगे डायरेक्टर में चेंजेस, क्या वापस आ सकते हैं आशुतोष अपने असली रोल में, क्या आशुतोष और संजय साथ दिखेंगे दुबई में। आजकल ये वोक जमाने में हमारा बॉलीवुड भी वोक होने की पूरी कोशिश कर रहा है। थप्पड़ और पिंक जैसी मूवीज बनाकर आजकल डायरेक्टर्स ऑडियंस को और भी ज्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी बीच हमारे 90s के किंग सुभाष घई भी अपनी मूवी लेकर आ रहे हैं। इनकी ये अपकमिंग मूवी खलनायक 2 होने वाली है, जिसमें हमें संजू बाबा, शनाया कपूर, आशुतोष राणा जैसे कई मशहूर सितारे देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करें मूवी आशुतोष राणा के कैरेक्टर की, तो ये पता चल रहा है कि उनका ये कैरेक्टर होने वाला है निगेटिव। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि इस बार हमें मूवी में एक नहीं 2 निगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मूवी में खलनायक यानी संजू बाबा और आशुतोष राणा के बीच दिखाया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। ये सुनकर आशुतोष के फैंस काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब कुछ दिनों से वो मोस्टली पापा का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे मूवीज में, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका असली रूप विलन के कैरेक्टर में ही सामने आता है। इनफैक्ट इस बात के लिए उनको बॉलीवुड का सबसे डरावना विलन भी माना जाता है, क्योंकि जैसी एक्टिंग उन्होंने संघर्ष और दुश्मन जैसी मूवीज में की है, उससे आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब यही माइंड ब्लोइंग एक्टर आ रहे हैं संजय दत्त से दुश्मनी निभाने। बस अब अगर मूवी कहीं लैग कर सकती है तो वो है डायरेक्शन में। अब क्योंकि डायरेक्टर सुभाष घई है तो लोग मूवी को लेकर डाउटफुल है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि हीरो मूवी फ्लॉप होने के बाद सुभाष घई चेंज करने वाले हैं अपना स्टाइल इस अपकमिंग मूवी खलनायक 2। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि खलनायक 2 साल 2023 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी भी बन सकती है। पर फिलहाल रिजल्ट्स तो हमें मूवी आने के बाद ही दिखेंगे, और तब तक हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम रोज यूं ही नई अपडेट्स लाते रहेंगे। और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। क्या आपको लगता है कि संजय दत्त मैच कर पाएंगे आशुतोष राणा का एनर्जी लेवल? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने थॉट्स जरूर बताएं।